दुनिया में सालाना लाखों लोग नैसर्गिक आपत्तियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इन आपत्तियों की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। तूफान, ज्वालामुखी का फटना, भारी बारिश, भारी वर्षा, बाढ़, वाइल्ड फायर, सुनामी, भूकंप, ये सबसे आम नैसर्गिक आपत्तियां हैं। ये आपत्तियां इंसानों पर काफी गहरा और काफी समय तक चलने वाला परिणाम करती हैं, जिससे उभर पाना उतना आसान नहीं होता। एक नैसर्गिक आपत्ति एक ही झटके में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकती है और हजारों करोड़ की संपत्ति का सफाया चंद घंटों में कर देती है। ये आपत्तियां जब इंसानों पर बरसती हैं, तो वो इंसानों को बता के नहीं आती। इंसान कितनी भी तैयारी कर ले, फिर भी वो किसी भी आपत्ति से लड़ने के लिए 100% तैयार नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं आज दुनिया की सबसे खतरनाक नैसर्गिक आपत्तियों के बारे में। लेट्स बिगिन। एक टॉर्नेडो की घूमने की गति 482 किलोमीटर पर आर हो सकती है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक टॉर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या तबाही मचा सकता है। आमतौर पर कोई भी टॉर्नेडो खुली जगह पर ही तैयार होते हैं, लेकिन 1997 में मियामी, अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान आया। ये तूफान किसी खुली जगह पर नहीं, बल्कि बिल्कुल शहर के पास आके टकरा गया था। इतने बड़े टॉर्नेडो को देखकर हर कोई सदमे में था। ऐसे लगा मानो अब लोगों का अंत करीब आ चुका है। हवाना, मियामी, डाउनटाउन, बिस्कायने बे से मियामी बीच तक शहर को सलामी देते हुए टॉर्नेडो निकल गया। इस टॉर्नेडो की वजह से कोई ज्यादा हानि तो नहीं हुई, लेकिन लोगों में डर का मंजर इस टॉर्नेडो ने बना दिया। उस मंजर को आज भी लोग याद करके कतराते हैं। मडस्लाइड, जिसे कि लैंडस्लाइड भी कहते हैं, इस दुर्घटना घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है अत्यधिक बारिश। अत्यधिक बारिश की वजह से पानी जमीन के अंदर तक घुस के मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर देता है। ये मिट्टी कीचड़ बन के खिसकने लगती है और यूएस में सालाना 25-30 लोगों की मौत और 24,000 करोड़ रुपयों का नुकसान लैंडस्लाइड की वजह से होता है। 3 जून 2020 को एक भयानक लैंडस्लाइड नॉर्वे में देखा गया। आप यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ होगा। समंदर किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया लैंडस्लाइड की वजह से समंदर के पानी में खिसकता जा रहा था और लोग अपनी खुली आंखों से देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे थे। जमीन पर खड़ी 8 से ज्यादा इमारतें पानी में जा गिरी। इसमें किसी भी तरह की जीवित हानि नहीं हुई। इस लैंडस्लाइड के घटित होने का कारण पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन स्थानीय कहते हैं कि इस तरह की लैंडस्लाइड 50 से 60 सालों में हमने एक बार भी नहीं देखा। आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर सबसे ठंडे पानी की बूंदें आपस में घुल मिल जाती हैं और उनके ओले तैयार होते हैं। बारिश के साथ साथ ये ओले भी तेजी से जमीन पर टकराते हैं। ओले गिरने की एवरेज गति आंकी गई है 170 किलोमीटर पर आर। आम ओले कुछ इतने ही छोटे होते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक गोल्फ बॉल जितने बड़े भी हो सकते हैं। जब गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले किसी जगह पर गिरते हैं, तो वो मंजर काफी भयानक होता है। 11 अप्रैल 2020 टेक्सास में एक ऐसा ही हेल स्टॉर्म टकरा गया, जिनमें काफी बड़े बड़े ओलों की वजह से कई कारों के कांच, घर की खिड़कियां और छप्पर टूट गए। लेकिन मैक्सिको 2019 में हुई बर्फबारी ने तो लोगों का इससे भी बुरा हाल कर दिया। लगातार बर्फबारी और हेल स्टॉर्म की वजह से 5 फीट ऊंचाई तक बर्फ जमा हो गई, काफी घर बर्बाद हो गए और यातायात जैसा का तैसा थम गया। बर्फ में फंसी इन गाड़ियों को देखने से पता चलता है कि ये मंजर कितना भयानक रहा होगा। आंधी हो या तूफान, अपने रास्ते में आने वाले हर चीज की बुनियाद हिला के रख देती है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये कार, पेड़ पौधे और बड़ी से बड़ी इमारतों को भी अपने साथ ले जाता है। फिलीपींस में एक ऐसा ही टाइफून देखने को मिला था जो काफी ज्यादा ताकतवर था। कैटेगरी 5 के गुनी नाम के इस तूफान ने कई सारी मालमत्ता बर्बाद करनी शुरू कर दिए थे। पूरे दिन भर में इस तूफान ने अपनी कैटेगरी चेंज नहीं की और उतने रफ्तार से बना रहा। इस तूफान की हवाएं 220 किलोमीटर पर आर की गति से बहती रही। कभी कभी इन हवाओं की गति 315 किलोमीटर पर आर तक पहुंच गई थी। 2016 में आए इस तूफान ने सिर्फ फिलीपींस में ही नहीं, बल्कि ताइवान और चीन के कई प्रदेशों को प्रभावित किया था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस तूफान की वजह से कितने लोगों की बिजली काटी गई।
लेकिन 40 लाख सिर्फ इस तूफान की वजह से बिजली के सिवाय रह रहे थे। लाखों लोगों को दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा। गिरती बिल्डिंग, घर, पेड़ पौधे इन्हें बचा नहीं सके। फिलीपींस एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नैसर्गिक आपत्तियों का सामना करने वाला इस दुनिया का तीसरा देश है। वाटर स्पाउट्स बवंडर का ही एक रूप होता है। जमीन पर बनने वाले बवंडर जैसा बवंडर जब पानी में बनता है तो उसे वाटर स्पाउट्स कहते हैं। नदी, समंदर या बड़ा सा जलाशय, इन्हीं में वाटर स्पाउट्स बनते हैं। घूमते हवाओं से भरे बादल जब पानी से टकराते हैं तो ये बादल साथ में पानी को भी ले जाते हैं, तभी पैदा होते हैं वाटर स्पाउट्स। इन वाटर स्पाउट्स से इंसानों को उतना खतरा नहीं होता जितना बाकी नैसर्गिक आपत्तियों से होता है, क्योंकि ये जमीन से काफी दूर फॉर्म होते हैं। काफी कम ही बार देखा गया है कि ये जमीन के करीब बने हों, लेकिन इन स्पाउट्स के आसपास जो भी चीज, जैसे कोई जहाज या नाव जाती है तो उसे वाटर स्पाउट्स एक तो दूर फेंक देता है या अंदर खींच लेता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर स्पाउट फॉर्म होते हैं थाईलैंड में। सालाना 50 से भी ज्यादा वाटर स्पाउट्स थाईलैंड में देखे जा सकते हैं। ये वाटर स्पाउट कभी कभी दो भी हो सकते हैं, या कभी कभी ये काफी ज्यादा प्रचंड यानी कि बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है जब वाटर स्पाउट पानी से होकर जमीन पर आ गया हो और इसने लोगों की प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा नुकसान किया हो। जब हम बात करते हैं वोल्केनो की तो हमारे जहन में सबसे पहले कौन सी चीजें आती है? तूफान भरते लावा की नदी, गर्म हवाएं, आग और काले धुएं के बादल। वोल्केनो एक ऐसी चीज है जिससे हम जितना दूर रहें हमारे लिए उतना ही काफी है। जब वोल्केनो इरप्शन होता है यानी कि जब ये फूटता है तब ये काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। इससे निकलने वाला मलबा और गैस इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कभी कभी इसके फैलने की गति 100 किलोमीटर पर आर हो सकती है। 2014 जापान में माउंट ऑनटेक पे ये वोल्केनो फूट गया। जब यहाँ हाइकिंग कर रहे लोगों ने जाना कि ये वोल्केनो इरप्शन हो रहा है तो इन्होंने इसका वीडियो निकालना शुरू कर दिया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कितना भयानक है ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान में तेजी से फैलता हुआ धुआं और मलबा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इस इरप्शन में 63 लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन कुछ हाइकर जिनकी जान बच गई वो खुशनसीब रहे होंगे। नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और 2004 में आए हिंद महासागर में आए सुनामी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया में आए 9.1 रिएक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही का मंजर बना दिया था। इस भूकंप की वजह से समंदर में लहरों की सुनामी देखी गई। समंदर की लहरें 50 से 100 फीट ऊंचाई तक दिख गई थी। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा और भी कई सारे देश इससे प्रभावित हो चुके थे। समंदर किनारे से सटे ज्यादातर शहर तेजी से पानी के नीचे जा रहे थे। लोग डूब के मर रहे थे। लोगों में डर का माहौल बन चुका था। इस सुनामी में लगभग 2,28,000 लोगों ने जान गंवा दी या वो लापता हो गए। इसमें से इंडोनेशिया के 1,67,540 लोग शामिल थे। इसमें जो वित्त हानि हुई वो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपयों की थी। इतिहास के पन्नों पे इससे पहले इतनी ज्यादा तबाही मचाने वाली सुनामी न कभी देखी गई और न कभी सुनी गई। काश इस तरह का भयानक मंजर फिर कभी दिखाई न दे और सब सुरक्षित रहें। जब कुदरत गुस्से में होती है तब उसका सामना इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए कुदरत हमेशा इंसान से 100 गुना आगे ही रहेगी। कुदरत का कहर इतना बड़ा होता है कि उसके आगे इंसान बेबस ही नजर आता है। 2020 में लीबिया में कुदरत ने अपना कहर बरपाया था। भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान भर रही थी। पानी तेजी से अपनी सीमाएं तोड़कर शहरों में जा घुसा था। स्थानीय लोगों के फिल्माए वीडियोस में देखा गया बाढ़ का ये मंजर सच में डरावना था। बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड देखी गई। कारें जैसे पत्तों की तरह बिखर कर बह रही थी। लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। इस बाढ़ ने करोड़ों रुपयों का नुकसान कर दिया। अब पिछले ही महीने नवंबर 2020 में इटली में कुछ इसी तरह की बाढ़ ने दस्तक दी। इस बाढ़ की वजह से बड़ी बड़ी इमारतों के इर्द गिर्द बहते तेज पानी के प्रवाह को देखा जा सकता है। रास्ते बह गए, पूरे शहर में सिंक होल देखे जाने लगे। गाड़ियां दौड़ाने वाले रास्तों पर अब पानी ही रह गया था। कारें कब की बह गई थी। इस बाढ़ में तो कुछ लोगों ने अपने गंवाए तो कुछ लोगों ने सपने गंवाए। सैकड़ों उल्कापिंड सालाना हमारी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, लेकिन पृथ्वी का वातावरण ही पृथ्वी की रक्षा करता है। इन उल्कापिंडों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही ये वातावरण से टकराकर जलकर हवा में खाक हो जाते हैं।
बेहद दुर्लभ मामलों में देखा गया है कि ये पृथ्वी से टकराए हों। 2013 रशिया में एक ऐसा वाकया हुआ। एक उल्का पिंड पृथ्वी के करीब आ चुकी थी। ये उल्का एक सेकंड में 15 से 20 किलोमीटर पर आर तेजी से जमीन की ओर आ रही थी। आसमान में प्रवेश करती कोई अनोखी चीज को हर कोई स्थानीय नोटिस कर पा रहा था। काफी ज्यादा प्रकाश आसमान में देखा जा रहा था। जब ये मीटेरॉइड हवा में ब्लास्ट हुआ तो एक बड़ी सी शॉक वेव देखी गई, जिस वजह से बिल्डिंग्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए, कारों की कांचे टूट गई। बड़ी आवाज से लोग पूरी तरह से डर गए। कई सारी इमारतों और प्रॉपर्टीज का भारी नुकसान हुआ। लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस घटना में जख्मी हो गए।